अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर आज भी कुछ फ्लैट नोट विटनेस किया गया। हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे से देखा मार्केट के अंदर कुछ बाइंग देखी जा रही थी। थ्रू आउट द डे वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक लैकलस्टर बिहेवियर शो कर रहे थे। क्यों हुआ ऐसा? आज के दिन भी, कल भी हमने देखा था एक फ्लैट नोट विटनेस किया गया था। रेंज बाउंड सिचुएशन है, मार्केट ज़्यादा जो है वो एक्ट नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है। क्या रीजंस हैं, क्यों मार्केट इतना ज़्यादा लैक ऑफ ट्रिगर फील कर रही है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर का भी हम कह सकते हैं कि इंपैक्ट आ रहा है जो कि ईद से पहले हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट के अंदर गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं, इसका इंपैक्ट आता है। तो ये तमाम चीजें कंपाइल होकर मार्केट के अंदर लैकलस्टर बिहेवियर, और वॉल्यूम्स वाइज अगर हम बात करें, इंटरेस्ट लेवल बात करें इन्वेस्टर्स का, तो वो भी काफी कम करते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights. आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,480.49 के लेवल पर। हायर साइड जो मार्केट गई 47,594.66, लोअर बॉस 47,442.19। हम देख रहे हैं 200 पॉइंट्स के स्पैन में मार्केट ने ट्रेड किया है आज पूरे दिन। एंड फाइनली क्लोजर 47,491.47, यानी कि 10.97 के इजाफे के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 508.23 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में माइनर इजाफा देखा गया 11.50 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 16.08 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। तकरीबन वही वॉल्यूम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं जो कल की मार्केट में ज्यादातर एक्टिवेट करते हुए या एक्टिव करते हुए दिखाई दिए थे। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.10 के डिक्लाइन के साथ, 3.42 पे क्लोजर, 44.69 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। GGL 1.38 का इजाफा देखा गया, 29.82 पे क्लोजर रहा, 44.07 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली TPL 1.07 का इजाफा, 23.79 पे क्लोजर, 40.81 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक उधर ही, यानी कि उन्हीं शेयर्स में ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है जिनमें ज़्यादातर वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं, या फिर एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड्स हम ये कह सकते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम्स ज़्यादातर जिन शेयर्स में देखे जा रहे होते हैं इन्वेस्टर्स ज़्यादातर उन्हीं में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं डेली बेसिस पे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर की थ्रू आउट परफॉर्मेंस और इसके इन्स एंड आउट्स, और इसके साथ साथ CPAC को भी लाइमलाइट में रखेंगे। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। CPAC के अंदर काफ़ी काम हो रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप के लिए CPAC एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पैदा कर रहा है, और ये तमाम चीज़ें कितनी गेम चेंजर साबित होंगी इन द फ्यूचर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। सिराजुद्दीन अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO हैं ग्रुप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हबीब बैंक AG से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले ये बताइए, अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, फॉरेक्स रिजर्व्स इन द हिस्ट्री आज जबरदस्त नंबर्स पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान में इतनी अच्छे नंबर्स का सर्कुलेट करना और डेली बेसिस पे कोई गुड न्यूज़ आना बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, या फॉरेक्स रिजर्व्स के हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानीज के इंटरेस्ट के हवाले से, कितना इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे इतनी न्यूज़ आना, और इस फिस्कल ईयर को अगर हम कम्पीट करें लास्ट जितने गुजरे हैं पास्ट ईयर से। देखिए, किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को शेप लेते हुए वक्त लगता है। जो काम 2 साल पहले किया गया था उसके अब कुछ फवायद नज़र आ रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा ये है कि रेमिटेंसेस जो हैं, जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि शायद 27-28 बिलियन पे होंगी फॉर द लास्ट फिस्कल, वो तकरीबन 29.4 बिलियन डॉलर्स की इनवर्ड रेमिटेंसेस आई हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आई है हमें सऊदी अरेबिया से, जहाँ से 7.2 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस, इनवर्ड रेमिटेंसेस आए हैं। ये सब बीफ अप किया है इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। दूसरे तरीकेकार ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने का, एक्सपोर्ट्स पे भी इजाफा हुआ है। अगर आप देखें, एक वक्त था जब हमारे एक्सपोर्ट 25 बिलियन पहुंच चुके थे आज से कोई 4-5 साल पहले, फिर एक बहुत मेजर डिप आया हमारे पास। उसके बाद कोविड शुरू हो गया, पेंडेमिक के असर आने लगे, ऑर्डर्स ख़त्म होने लगे, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे, उसके बाद फिर एक रिवाइवल शुरू हुआ है। नाउ अवर एक्सपोर्ट्स हैव टच अल्हम्दुलिल्लाह 25 बिलियन। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था, रज़ाक दाऊद साहब ये कह रहे थे कि पॉसिबल है कि अगर हम अगले इसी तरह अगर अपना पेडल ऑन रखें एक्सपोर्ट्स का, तो यू नो बाय द ईयर से 2030-2035 वी शुड बी एबल टू टच 200 बिलियन तक जा सकते हैं हम एक्सपोर्ट्स में। गुंजाइश है इकॉनमी में,
हमारे पास प्रोड्यूस अवेलेबल है, वैरायटी है, डाइवर्सिफिकेशन है एक्सपोर्ट्स की जो हम कर सकते हैं, सिर्फ टेक्सटाइल से कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं. तो बहुत सारे एवेन्यूज ओपन अप हो रहे हैं और ये प्रोसेस असल चीज़ जो समझने की है मेरा अतकाल सब लोगों को ये कि इकोनॉमिक प्रोसेस स्लो होता है और उसके असरात देर तक आते हैं और फिर देर पर रहते भी हैं. राइट सर, आपने बहुत सारी चीज़ें डाइसेक्ट की हैं, मैं वन बाय वन सब पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पॉलिसीज बन रही हैं, पहले ऐसा हुआ नहीं या फिर इतना फोकस नहीं थे कि पॉलिसीज ज़्यादातर अब जो कि बन रही हैं वो ईयर्स के लिए बन रही हैं और इसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं, कितने पॉजिटिव असरात आ रहे हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, या फिर अगर हम बात करें सेक्टर्स से जुड़े हुए और सेक्टर्स हैं उन तमाम चीज़ों को एक विजन जो है वो वास्ट रखा जा रहा है. योर टेक ऑन. देखिए, ये गैर मुनासिब बात होगी ये कहना कि पिछले दफ़ा पॉलिसी नहीं बनी या पिछले सालों में पॉलिसी नहीं बनी या पिछली हुकूमत ने कोई काम नहीं किया. सही बात नहीं होगी, सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और आप वहाँ से लेके चलते हैं जहाँ से आपको जैसे कहते हैं रिले रेस में बेटन पास किया है किसी ने. राइट, अब आप कैसे आगे बढ़ाते हैं, अपने विजन से बढ़ाते हैं. और इस हुकूमत के आने से ये हुआ है कि इन्होंने प्लानिंग जो की है वो कोई 5 साल की नहीं की है, ये कर रहे हैं 15 साल की, 20 साल की, विच इज़ द राइट वे टू डू इट. शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी लेके नहीं चल रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं जिसकी बुनियाद, जिसकी वजह से आप जो देख रही हैं ताखीर हो रही है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का बेनिफिट आवाम तक पहुँचने का, उसकी वजह यही है कि लैक टाइम होता है पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में और उसकी फिर डिलीवरी में. इस वक्त जो है हम उस प्रोसेस में हैं जहाँ एग्जीक्यूशन पे कंसंट्रेशन हो रही है कैबिनेट की तरफ से. राइट, रिव्यू सिस्टम अच्छा हो गया है, रिव्यू मैकेनिज्म बहुत बेहतर हो गया है, फॉलो अप मैकेनिज्म बहुत बेहतर हो गया है जिसकी वजह से पॉलिसीज़ को आप इंप्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं. एग्जैक्टली, फॉलो अप मैकेनिज्म आपने कहा कि अच्छा हो गया है, पहले भी एग्जैक्टली यू आर राइट कि हम पॉलिटिकल पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे चीज़ों में. एग्जैक्टली, चले सर इस पर मजीद बात करेंगे, अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں, ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے, اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे, सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, बैंकिंग सेक्टर के जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम बात करें उनकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है थ्रू आउट द ईयर, हमने कोविड के सिनेरियो में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी है एक बैंकिंग सेक्टर की, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? दो तीन चीज़ें इसमें देखिए, बैंकिंग डिपॉजिट्स बहुत फिनोमिनली ग्रो किए हैं लास्ट फिस्कल ईयर में, जैसे आपसे प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, 19 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हो गए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के। ये बड़े हैं इस वजह से भी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट जो आई थी ड्यूरिंग द कोविड एरिया, पीक पे जब था कोविड, तो जो सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट हुकूमत ने दी थी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो फनल हुआ इनटू द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस तकलीफ में थी लिक्विडिटी की वजह से उनके पास पैसे आ गए, वो शॉर्ट टर्म के लिए थे और एट अ कंसेशनल रेट। एक तो ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई जिसकी वजह से फ्लोट होती रही सारी कंपनीज, कोई कंपनीज पाकिस्तान में शट डाउन नहीं हुई। ये एक मेजर एलिमेंट है जिसकी वजह से वी हैव सीन अ बाउंस बैक इन द इकॉनमी ऑल्सो। अब ये 560 बिलियन या 660 बिलियन की बात करते हैं तकरीबन, जिसमें LTTF और TURF की फैसिलिटी दी गई है, टेम्प्रेरी इकोनॉमिक रिलीफ जो था, ये बहुत फ़ायदेमंद रहा है उन इदारों के लिए जो कैश ट्रैप्ड थे। तो उस एतबार से मेरा ख्याल है जो हुकूमती पॉलिसी थी ड्यूरिंग द कोविड पीक वो बड़ी एक्यूरेटली प्रूव हुई है कि वो साउंड एंड सॉलिड थी, राइट टाइम पे राइट पल्स प्रेस की थी, उसका बेनिफिट अब हो रहा है। और ये इस तरह के बैंकिंग इंडस्ट्री को भी डायरेक्शन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है वो बहुत, मेरा ख्याल है, बहुत मुख्तलिफ है फ्रॉम द पास्ट। यहाँ पे हाँ आप कह सकती हैं कि पहले डायरेक्टेड लेंडिंग इस तरह नहीं की जा सकती थी जो आजकल की जा रही है, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि आप सिर्फ ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ PIBs में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो डिपॉजिटर्स का पैसा आपने लिया है वो डिपॉजिटर्स बोरोवर्स को वापस दीजिए। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कंसेशंस दिए हैं हुकूमत ने काफ़ी, उसे तकरीबन कोई 24 इंडस्ट्रीज हैं जो रिलेटेड होती हैं पेरिफेरल इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन से, तो अगर आप फोकस करके लेंडिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर रहे हैं तो यह बेनिफिट इन 24 इंडस्ट्रीज। सिमिलरली व्हेन यू लुक एट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक असेंबली प्लांट को जब फंडिंग करते हैं तो आप उसकी पेरिफेरल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप वो सारी ऑटोमेटिकली सबको बेनिफिट हो जाता है। दैट इज समथिंग दैट इज बिगन टू हैपन एंड वी सी दैट रोलिंग टेकिंग प्लेस नाउ। एंड देयरफॉर आई वुड से कि ये जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं लिक्विडिटी की और डायरेक्टेड लेंडिंग की, जहाँ वो ये कह रहे हैं जैसे RDA का इनिशिएटिव है जिस पर बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके तहत कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, समाजी में काम हो रहा है, फलाई में काम हो रहा है, उसमें काम हो रहा है कि आप गाड़ियों पर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्रेफरेंस मिल रही है रिलीज ऑफ कार्स के बारे में, सो एंड कंस्ट्रक्शन ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, सो ऑल दीज थिंग्स आर यू नो फिटिंग इनटू अ जिक्सॉ दैट वाज वन लेड बेयर, राइट? नाउ थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस एंड होपफुली एज वी प्रोग्रेस
in the next 1 to 2 this years. This is called a smart policies. Yeah, exactly. आप जब बना रहे हैं तो तमाम चीज़ों को लिंक भी कर रहे हैं साथ साथ. RDA का आपने जिक्र किया तो मैं वहीं से पूछना चाहूँगी सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली, जब ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने कार ले सकेंगे, अपने घर ले सकेंगे जो कि प्रीवियसली बहुत इश्यूज होते थे, उसको कैसे देखते हैं, कितना अच्छा इनिशिएटिव है और ख़ासकर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी कुछ सोचा गया है? देखिए, दिस इज़ इंसेंटिवाइजेशन है, ये पाकिस्तानियों के पैसे अपने मुल्क भेजें, क्या गाड़ी फ्री तो नहीं मिलेगी, उनको खरीदना पड़ेगी, राइट? क्या चीज़ हो रही है बेहतर? लेकिन सर, पहले ये हो रहा है, पहले बहुत इश्यूज होते थे उनको, वो ऑन मनी वगैरह का सिलसिला था, वो खत्म हो जाएगा, राइट? इनको प्रेफरेंस मिल रही है, गाड़ियाँ इनको जल्दी रिलीज हो जाएंगी. इसी तरह घर बनाने में उनको सहूलतें दी जा रही हैं, कंसेशंस दी जा रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स पे कमी की जा रही है ताकि सस्टेनेबल हो एक्टिविटी. देखिए, अगर इंटरेस्ट फैक्टर बोरोइंग को इतना इम्पैक्ट करे कि रीपेमेंट में इश्यूज आ जाएं, तो फिर आपका ये मैकेनिज्म वर्क नहीं कर सकता है. और फोरक्लोजर लॉस जो हैं, जो हमारे मुल्क में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें मकसद उसका सिर्फ ये होता है कि एक बैंक ने अगर पैसे दिए किसी को घर बनाने के लिए और वो अगर वापस नहीं कर रहा हो, तो आपको इजाज़त होती है, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि आप घर को बेचें, ऑप्शन करें और अपने पैसे रिकवर करें, क्योंकि डिपॉजिटर का पैसा है ये. एग्जैक्टली. तो वो फोरक्लोजर लॉस यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट होने लगे हैं, टेस्ट करने लगे हैं, कोर्ट्स भी उसका एक लीनियंट व्यू लेने लगे हैं बैंकर्स की तरफ. पहले वो बोरोवर की तरफ लीनियंट व्यू ज़्यादा हुआ करता था, तो इस वजह से केसेस खींचते थे, 5 साल 10 साल तक चलते थे, ऑक्यूपाई भी नहीं कर सकते थे. आप घर कितने दिन में या कितने मंथ्स में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जुडिशियल के एरिया में इंटरफियर नहीं करना चाहते, लेकिन यही कह सकता हूँ कि अब फास्टर हो रहा है देन प्रीवियसली. राइट, बैंक्स का जिक्र कर रहे हैं आप तो इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेते हैं. 13.25 से 7% पे लेंड किया काफ़ी एक टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम पे. जितनी अग्रेसिवली बढ़ाए गए इंटरेस्ट रेट, उतनी ही अग्रेसिवली कम भी कर दिए गए, या हम कहेंगे इतनी इंडल्जमेंट शो की गई. तो सर, इसके बारे में प्लीज़ बताइए, कितना इंपॉर्टेंट था कोविड के सिनेरियो में इतनी ज़्यादा लीनियंसी देना? देखिए, एक ऐसा एरिया है, एज अ कमर्शियल बैंकर मैं नहीं चाहूँगा इस पर ज़्यादा तफसील में बात करूँ, सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक होता है आपके इंटरप्ले होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ. तो एक आर्टिफिशियल रेट को जब आप होल्ड करते हैं टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ द रुपी, तो वो लॉन्ग टर्म में जाके फिर डैमेज भी कर सकता है. तो इसी तरह हमने उसको 13% पे जो रखा हुआ था, तो प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी रुपी को, और वो रुपी फिर आपने देखा जैसे ही नहीं हुआ बताई, तो फिर उसको डिवैल्यूएशन भी हुआ, फिर कहीं फिर एप्रिसिएशन भी अब हम देख रहे हैं. और जो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी हुआ है, वो इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि बोरोइंग बुक्स जो हैं, लेंडिंग बुक्स जो हैं बैंक्स की, वो बढ़ गई हैं. एडवांसेस डिपॉजिट रेशियो जो हार्डली 45-40% रहा करता था, इट इज़ इन द रीजन ऑफ 50%, 51%. लास्ट फिगर 30 जून में वो 49% पे आ गया, लेकिन 51 भी टच किया है, विच मीन्स पैसा जो मोबिलाइज हो रहा है डिपॉजिटर से, वो इकॉनमी में वापस डाला जा रहा है. सो देयर इज एन एनकरेजिंग मूव दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए जरूरी था ये तमाम चीज़ें, ये मैकेनिज्म बनाना. चलें, इस पर मजीद बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर. अभी आप ये रिपोर्ट देखें बैंकिंग सेक्टर के ऊपर. माशी सरगर्मियों और इस्तेहकाम के लिए सनअत, तिजारत और बैंकारी का चोली दामन का साथ है. किसी भी मुल्क की मईशत जिन बुनियादों पर उस्तवार होती है, उनमें बैंकिंग एक ऐसा शोबा है जो कि इंतहाई मजबूत और बुनियादी सुतून की शक्ल में हमेशा मुल्की मफाद के लिए पेश रहा है. ये सेक्टर इदारों को लेंडिंग और क्रेडिट फराहम करता है, इसीलिए बैंकिंग के शोबे को किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तसव्वुर किया जाता है. पाकिस्तान इस दिन में इंतहाई खुशकिस्मत मुल्क है, क्योंकि हमारे मुल्क में दुनिया का बेहतरीन, मजबूत और मुनज्जम माना जाने वाला बैंकिंग सिस्टम मौजूद है, जबकि तिजारत के फरोग के लिए भी बैंकों ने नुमाया खिदमात अंजाम दी है. 2000 के अशरे में पाकिस्तान में बैंकों का दायरा कार वसी किया गया, जिसके बायस निजी बैंकों में खातिर खा इजाफा हुआ. इन बैंकों की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान में लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिले, बल्कि सनअती तरक्की में भी नुमाया बेहतरी देखने में आई. स्टेट बैंक, वजारत खजाना, मनसूबा बंदी कमीशन और माहरीन इस बात पर मुत्तफिक रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकारी के साथ साथ प्राइवेट बैंकों की कारकर्दगी में बेहतरी और अवामी मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा हुआ है. गुज़श्ता दिहाइयों में हैरान कुन तौर पर मुल्क में डिपॉजिट्स और मुनाफे में इतने जबरदस्त इजाफे की कोई मिसाल मौजूद नहीं. निजी शोबे के आगे आने में सरकारी बैंकों की अमली कावशें नुमाया है, क्योंकि ये सब कुछ
सोच हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले बैंकों के अमली तावन के बिना मुमकिन नहीं था। निजी बैंकों की पॉलिसी हुकूमती बैंकों की पुरजोश मुआवनत की वजह से मईशत की शरह नमू में तेजी और रोजगार के मौके बढ़ाने में कामयाब रही। पाकिस्तान में बैंक दौलत पाकिस्तान यानी कि स्टेट बैंक के अलावा आज कई बड़े बैंक अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बैंक फाइनेंसिंग यानी कि बैंक की मदद से कोई चीज खरीद कर हासिल करने का रुझान बढ़ रहा है, जिसमें ऑटो और होम फाइनेंसिंग काबिले जिक्र है। हालिया बजट, आसान रोजगार, अपना घर और कई दूसरे हुकूमती इकदाम की बदौलत बैंकों को आज इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज मुरतब करते हुए आवाम को ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद कर सकें। एग्जैक्टली कंज्यूमर पॉलिसीज होनी चाहिए और जैसे जैसे हम देख रहे हैं इसके बेनिफिट्स कोविड के दिनों में बढ़ते हुए दिखाई दिए, उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट अब भी देखा जा रहा है। सिराज साहब से मजीद पूछते हैं, सर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है और ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ चले जाती हैं। अब थ्रू आउट पूरी दुनिया की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो कि सिनेरियो चल रहा है इसके बाद यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी, कैसे देख रहे हैं सर इसको? अच्छा, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। इन्फ्लेशन right. मैं समझता हूँ पीक जो करना था वो कर गया हमारी इकोनॉमी में, ओके 11.7% तक ये गया था और अब ये रिवर्स गियर में है लिटरली स्पीकिंग। और हमारा जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है ना इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में वो है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन की वजह भी ये है कि एग्री प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है और उस पर भी डिपेंडेंट होता है कि आपके बास्केट क्या separate hai na food inflation core inflation ko that's what I'm saying. So if you look at both together then it is on a downward trend okay. and hopefully as we progress mera takhal hai ke inflation mein kami aani chahiye, supply lines kafi improve kar gayi hain, produce jo hai wo theek thaak ho raha hai, production levels badh gaye hain, productivity badh gayi agriculture produce ki, to mera takhal hai ye sab price pe effect karega ultimately and I think there is also greater mechanism in place now of monitoring price of commodities in the economy. Right. अगर आप देखिए कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें काफ़ी वक्त वो लोग सर्व करते हैं इस बात को तय करने में कि प्राइसेस कहाँ जा रही हैं आम अशिया की जो आम इस्तेमाल की जाती हैं। सर आपने मॉनिटरिंग का जिक्र किया है, तो मॉनिटरिंग एक जो प्रॉपरली जो उससे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वही मॉनिटर करें या फिर थर्ड पार्टी को मॉनिटर होना चाहिए? कोई एपिक्स बॉडी तो होनी चाहिए ना हाँ। जो हर चीज़ को मॉनिटर करती है, तो एपिक्स बॉडी हमारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट है जो हर डे टू डे बेसिस पे सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को मॉनिटर करते हैं एंड फाइनेंस एंड प्राइस रिलेटेड टू इट एंड कमोडिटीज रिलेटेड टू इट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। सो यू नो सम ऑफ द मिनिस्ट्रीज हैव टू गो इन टैंडम विद ईच अदर, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड फाइनेंस, ऑल दीस हैव टू वर्क टुगेदर एंड द एफबीआर मोस्ट इंपॉर्टेंटली। राइट एफबीआर का जिक्र कर रहे हैं आप, तो एफबीआर के टारगेट्स बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत अच्छे टारगेट्स सेट किए गए हैं। अब आप समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होने पर जो जोर दिया जाता है टैक्सेशन सिस्टम को सही करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन होना कितना इम्पॉर्टेंट है सर? डॉक्यूमेंटेशन से ही टैक्सेशन हो सकता है, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के तो हो नहीं सकता। आप देखिए रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स की जो एस्टिमेशन है हमारे मुल्क में, इट्स एनीवेयर बिटवीन 3.5 to 4 million रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सेल्स कर रही हैं राइट और टैक्स कोई नहीं दे रही। सर सेल्स कर ली है, रिटेलर्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, फिक्स टैक्स रजीम की तरफ हम जाने का एक ऑप्शन, एक प्रपोजल मौजूद था, उसके ऊपर क्यों नहीं जाते? मेरा ख्याल उस पर काम किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे पता है रिटेलर्स को जो है एक फिक्स अमाउंट कह दिया जाएगा कि टर्न ओवर बेसिस के ऊपर वो टैक्स पे करेंगे, और मेरा ख्याल ये भी ग्रेजुअल करने की जरूरत है और ऐसा नहीं कि कल के रोज इम्पोजिशन आ जाए तो वो उनके लिए तकलीफ दे। यू हैव टू मेक पीपल गेट अकस्टम्ड टू द फैक्ट दैट दे विल बी टैक्स्ड फॉर द रेवेन्यू दे मेक। Okay. ये आदत डालनी पड़ेगी ना, आम आवाम को आदत नहीं है टैक्स पे करने की। राइट माशरे में टैक्स पे करना जो है वो एनकरेज नहीं किया जाता है, बल्कि एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द टर्नओवर के इनका टर्नओवर कैसा है? बिलीव करें ना आप, देखिए बिलीफ सिस्टम पे भी काम करना है। जैसे मैं अगर रिटेलर हूँ और मैं आप मेरी अथॉरिटी है टैक्स असेस करने के लिए, आप पूछे कितनी सेल्स हुई, तो अगर मैं कहूँ मैंने 1000 रुपए की किया, तो ट्रस्ट मी फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज, फॉर द फर्स्ट टाइम राइट, ट्रस्ट तो करें आप तो कि मैं 1000 पे पे कर। वी कैन डिवाइड इट कैटेगोरिकली के फिक्स टैक्स रिजीम में कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी, कितनी दुकान छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी, डिपेंडेंट ऑन दैट ना एरिया कौन सा है, और किस किस्म की बेचते हैं, इम्पोर्टेड बेचते हैं सारी या लोकली प्रोड्यूस बेचते हैं, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट राइट। राइट तो ये टैक्स का तो एक पहलू तो रिटेल वाला है, दूसरा जो पहलू है आम इंडिविजुअल्स आल्सो विलिंग टू पे टैक्स,
The culture of tax has to be introduced in the economy, in the society rather, where people must be willing to pay tax. अच्छा वो tax देखिए उस वक्त pay करेंगे जब उनको फायदा नजर आएगा कि मेरे tax के पैसे सही इस्तेमाल हो रहे हैं. Sir, further introduction बाकी है अभी taxation का society के अंदर या अभी हो चुका है? नहीं, मैं सोचता हूँ बहुत ज़रूरत है. Okay. Because I think the registered taxpayer is a minuscule small number. 222 million people living in this country. आप बताइए कितने लोग tax registered हैं? राइट, इट्स अ डिसमल फिगर. आपको अफसोस होता है, शर्मिंदगी होती है कि इतना बड़ा मुल्क और इतने कम टैक्स पेयर्स हैं. और टैक्स जीडीपी की बात करें जी, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुकूमत को करनी पड़ती है रिकवरी करने का. डायरेक्ट टैक्सेशन से जो चीज रिकवर हो सकती है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होती है अगर रिकवर सही हो रहा. फिर इन्फ्लेशन आती है उसकी वजह से, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से. जी, बिकॉज़ द प्राइस इट्स रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस. ये पूरी एक चेन है, पूरी साइकिल है और इसको समझना काफी डिफिकल्ट है. इट्स ऑलवेज अ साइकिल, इट्स अ चेन. इफ यू ब्रेक वन एलिमेंट ऑफ द चेन दैट इट्स गोइंग टू अफेक्ट समडे द एंटायर प्रोसेस. एग्जैक्टली सर. चले सर, काफी गुफ्तगु लंबी हो गई है, इकोनॉमी के बारे में बात हो गई है. मैं चाहूंगी सी पैक के ऊपर कॉमेंट करें. डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट परसेप्शन होते हैं सी पैक के हवाले से, उनकी अपनी अपनी राय है. एक आम आदमी के लिए या अगर एक आदमी को समझाने के लिए आप क्या समझते हैं सीपैक क्या है एक्चुअली? देखिए, सीपैक का पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है. सीपैक इज अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान, दो ममालिक का ये जॉइंट वेंचर है. जॉइंट वेंचर किस चीज के लिए? कनेक्टिविटी के लिए. कनेक्टिविटी क्यों चाहिए? ताकि तिजारत और इन्वेस्टमेंट हम आपस में एक दूसरे के साथ कर सके. अच्छा, हम क्या दे सकते हैं चीन को, यह हमें डिटरमिन करना है. चीन हमें क्या दे सकता है, यह डिटरमिन करना है. तो चाइना ने बैक इन 1978 जब उन्होंने अपने इकोनॉमी को ओपन अप किया था, ये बात बहुत अहम है समझने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, जो समंदर के ऊपर कोस्टल एरियाज थे वहाँ के सिटीज को उन्होंने पहले डेवलप किया. तो वो 13 सिटीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो साउथ चाइना सी की तरफ फेस करते थे. उनके डेवलपमेंट के लिए अलग प्रोग्राम्स बनाए और 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, सिर्फ 4 बनाए. और उनका सक्सेस जो पिछले 20-30 साल में हुआ है, इट इज फिनोमिनल. तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव हो रहे हैं. तो वेस्ट चाइना का डेवलपमेंट हो रहा है. राइट, वेस्ट चाइना में आ जाता है उरुमची, शिनकियांग का एरिया, काश्गर और खुंजराब का जो पास हमने बनाया है चीन और पाकिस्तान ने मिलकर. ये बुनियाद थी सिपेक बनने की. सिपेक जो कंसेप्चुअली चीन ने बना लिया था अपने जहन में, वो मिड 90s में था. ये 2000 की बात नहीं है. दे स्टार्टेड ऑफ वेरी अर्ली ऑन द कॉन्सेप्ट एंड देन नाउ दे हैव पुट इट इनटू प्ले. हमने क्या किया था, हमने अब चीन के साथ जो अपनी रिलेशनशिप रखी थी वो सियासी रखी हुई थी ज्यादातर. इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्रिएट नहीं की थी. इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज द फ्यूचर ऑफ ऑल फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशंस. फॉरेन पॉलिसी जो है उसी पे बेस्ड करने की जरूरत थी कि इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट होगा मुल्क को, राइट, रादर देन पॉलिटिकली. तो ये रीजनलाइजेशन जो है वो हर जगह हो रही है. इसका बेनिफिट सिर्फ पाकिस्तान और चीन को नहीं है, पूरे खत्ते को होगा, अफगानिस्तान को भी होगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी होगा, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को भी होगा. तो ये कनेक्टिविटी अंडर द वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम ऑफ चाइना जो उन्होंने किया हुआ है, जिसके जरिए वो तीन जगह पे ये बना रहे हैं, उसका ये पहला इनिशिएटिव है सिपेक. अब सिपेक में पाकिस्तान के लिए क्या रखा है, एग्जैक्टली ये अहम तरीन सवाल है. राइट, हमने क्या करना है? तो हमने भी चीन का मॉडल अडॉप्ट किया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहाँ हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करें. तो 9 जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं हुकूमत ने, 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. अब जस्ट आइडेंटिफाई किया है या काम भी हो रहा है सर? आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एलोकेशन हो चुकी है. जो पहला आपका इकोनॉमिक जोन है उसमें 1000 एकड़ की जमीन भी दी गई है, जिसमें से 702 एकड़ जमीन जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. ये केपीके में है. यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, यहाँ से आप पैदावार जो यहाँ की होगी ज्यादातर एक्सपोर्ट की जाएगी. अब ये किस डायरेक्शन में एक्सपोर्ट की जाती है, टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट? द कॉरिडोर कैन बी यूज्ड. Because the corridor takes you to, from Kashgar, it takes you right into Gwadar, which is the seaport. अभी थोड़ी देर पहले आपने तस्करा किया था फिशरीज का. पाकिस्तान की तकरीबन 28% जो है ना एक्सपोर्ट्स वो फिशरीज से रिलेटेड करती है, एक्वेटिक प्रोडक्ट से रिलेट करता है. एंड चाइना इज अ मेजर बायर और हमारी कैच बहुत अच्छी है. गवादर के पास जो समंदर है वहाँ की जो मछली हमें मिलती है, डीप सी पोर्ट है, और वहाँ जो मछली हमें मिलती है, हमारे मछेरे वहाँ जो पकड़ते हैं, That is class in terms of shellfish. Okay. Shellfish सबसे बेहतरीन वहाँ मिलती है और ये हम export करते हैं, जिसमें lobsters शामिल हैं, shrimps शामिल हैं, prawns शामिल हैं, और ये सारा पसंद करते हैं. और ये सारा east की तरफ जाता है. तो आप containerized cargo जो है वो refrigerated जब होगा, ये corridor पे चलेगा, तो you avoid the whole journey from Strait of Malacca right upwards climbing up to Guangzhou or to Shanghai or to Dalian.
ये सारी डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और हमारे मछेरे माशाल्लाह इतने तेज हैं कि वो सिर्फ गवादर के एरिया में नहीं करते, वो आगे बढ़ के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भी मछली पकड़ के ले आते हैं। बिल्कुल। सो देयर इज प्रॉस्पेक्ट, देयर इज अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमने डिटरमिन करना होगा एज ए नेशन कि हमें क्या फायदा होना चाहिए। हम वहाँ पे पुट अप कर सकते हैं गारमेंट्स, टेक्सटाइल रिलेटेड, फिशरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज वहाँ लगा सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि वहाँ आएँ, टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट लें, टैक्स हॉलीडेज दी गई हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। यही चीन ने किया था, हमने सिर्फ अडॉप्ट कर लेना है उनका मॉडल और ज्यादा काम। सर आपने केपीके का जिक्र किया है, और कौन से प्रोविंस में आइडेंटिफिकेशन हो रही है? एवरीबॉडी इज गोइंग टू बेनिफिट, इट इज जस्ट नॉट केपीके, इवन देयर इज अ कॉरिडोर दैट कम्स थ्रू लाहौर, देयर इज अ कॉरिडोर दैट कम्स टुवर्ड्स सखर, देयर इज अ कॉरिडोर दैट टेक्स राइट अप टू कराची, देयर इज अ कॉरिडोर दैट टेक्स राइट अप टू गवादर इटसेल्फ, ऑल प्रोविंसेस आर इंक्लूडेड, ट्रिब्यूटरीज इसकी कई बनी हुई हैं। तो इट्स ऑल गोइंग टू लिंक अप विद M1, M2 जो भी बनाई है हमने, मोटरवेज बनाई, ये सब लिंक अप होंगी विद दी कॉरिडोर। राइट, चलें इस पे मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड। नाज़िम मुराद सईद इस वक्त देर कोर्ट में खिताब कर रहे हैं, आपको बराहे रास्त लिए चलते हैं। मोहब्बत ने और आपके जज्बे ने और यहाँ पर आकर लोगों से मिलकर आप लोगों ने दिल को मजीद खुश कर दिया कि ये ऐसा कि आप एक ऐसा हलका जीतने जा रहे हैं जो कभी भी कोई नहीं हारा था 73 साल में, और 73 सालों में पहली दफा आप उनको शिकस्त देने जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की शिकस्त देगी। मेरे दोस्तों बात होती है, मेरे दोस्तों यहां के हालात तो हमने खुद देखे, और मैं आपसे बात करूंगा कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो हम क्या इकदाम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से चंद सवाल करना चाहता हूं, और आपके जवाब में ही 25 का फैसला है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि वो कहते हैं हमने सड़कें बड़ी बनाई थी, क्या आपकी सड़कों की हालत बेहतर हुई? नहीं। क्या आपके सड़कों की हालत बेहतर हुई? नहीं। क्या यहाँ पे आपके सेहत के लिए कोई अस्पताल बनाया? नहीं। क्या यहाँ पे कोई तालीमी इदारे बनाए? नहीं। क्या यहाँ पे गुर्बत के खात्मे के लिए कोई इकदाम उठाए? नहीं। तो मेरे दोस्तों ये शोर मचा रहे हैं कि धांधली हो रही, धांधली नहीं, आपके ये करतूत और आपकी कारकर्दगी आपकी शिकस्त की वजह बनेंगे। अगर आपने तीन तीन चार चार बारियां लेके बस अगर आपने तीन चार बारियां लेने के बाद भी यहाँ के लोगों के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए, इनके सेहत के लिए, इनके तालीम के लिए, इनके पानी के लिए, इनकी सड़कों के लिए, इनकी गली मोहल्ले के इश्यूज को हल करने के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं कि दांडी हो रही है? क्या आप भूल गए हैं कि इस वक्त भी वजीर आजम मुस्लिम लीग नूर का बेटा है, इस वक्त भी डिपार्टमेंट्स उनके अंडर आते हैं, तो किस तरह आप दांडी का शोर मचा सकते हैं? आपको 25 की अपनी कारकर्दगी और 25 को लोगों का फैसला आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी। मेरे दोस्तों अगर हम बात करें, जब 2018 में हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उससे पहले तहरीक इंसाफ को इमरान खान की क्यादत में सिर्फ एक जगह पे हुकूमत करने का मौका मिला था, वो था खैबर पख्तूनख्वा। वहां पे पूरे पाकिस्तान ने माना कि पुलिस के निजाम को 5 साल के कलील अरसे में मॉडल पुलिस इमरान खान ने बना दिया। दूसरा सियात की अगर बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का पहला सूबा बना था जहां पे मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए सियात इंसाफ कार्ड दिया गया,
मतलब ये कि न सिर्फ सरकारी अस्पताल में बल्कि मुल्क के बड़े प्राइवेट अस्पताल में आप उस कार्ड के ऊपर मुफ्त और बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। हमने आजाद कश्मीर को भी सौ फीसद आबादी को, आप तमाम दोस्त जितने बैठे हैं उनके लिए सेहत इंसाफ कार्ड का ऐलान किया कि मुल्क के किसी भी बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में आपका मुफ्त और बेहतरीन इलाज हो सके। लेकिन आप आजाद कश्मीर में तो इलाज कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अस्पताल ही नहीं बनाया, प्राइवेट भी नहीं, सरकारी अस्पताल भी नहीं, तो इलाज कैसे होगा आपका? आपको फिर भी इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, आपको बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया है मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए, इंशाल्लाह अली अमीन गंडापुर बात करेगा, हम आपको अस्पताल भी देंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। मेरे दोस्तों, इसके अलावा गुर्बत के खात्मे के लिए हमारे बहुत सारे लोग ये कभी कभार इमरान खान के हवाले से जब बात करते हैं, आपने अगर आपको हुकूमत का मौका मिला, तीन चार बार या मिली, आपने उसमें क्या इकदाम उठाए लोगों को बताए। चार चार बारियां लेने के बाद वो किसी भी जलसे में ये बात नहीं कर सके कि हमने आजाद कश्मीर के लिए क्या किया था। फिर गुर्बत के खात्मे के लिए एहसास प्रोग्राम इमरान खान का आपने सुना होगा, ये हंसते हैं कि आपने पनागाहें बनाई, जो गरीब बड़े शहरों का रुख करते हैं, जो हमारा मजदूर, जो हमारा दिहाड़ीदार, जो हमारा ड्राइवर अपना घर बार छोड़ के बड़े शहरों का रुख करते हैं, वो सड़कों पे सोते थे, सड़कों से उठा के उनको रियासत का मेहमान इमरान खान ने बना दिया। आप इसके ऊपर तंकीद करते हैं, सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से बात करते हैं। आप सब यहाँ पे रहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप खुद से पूछे, अपने आसपास पड़ोस में देखिए कि अगर किसी घर में कोई बीमार हो जाए तो या तो वो किसी से उधार लेता है, कर्ज लेता है, या अपने घर की कोई सामान बेचता है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत दूंगा, और वो इमरान खान ने दे दिया। मेरे दोस्तों, एक और, क्योंकि आजाद कश्मीर खूबसूरत इलाका है, हमारे स्वात की तरह, नॉर्दर्न एरियाज की तरह, मेरा ताल्लुक स्वात से है, वहां पे हमने सबसे बड़ा जो लोगों के लिए तब्दीली का काम किया वो सयाहत का फरोख था। सयाहत के फरोख के लिए कभी किसी ने इकदाम नहीं उठाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, सयाहत का फरोख होगा, लोग यहाँ पे आएंगे, आपका कारोबार चलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उसी से खुशहाली आएगी, उसी से इलाका तरक्की करेगा, और सयाहत का फरोख इंशाल्लाह हमारी तरजीह होगा और हम देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, इसके बाद कश्मीर कास्ट के हवाले से बड़ी बात होती है, मैं मुख्तसरन उसके ऊपर बात करूंगा। क्या पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने ये कभी कहा था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा? कभी किसी ने कहा था? तो ये किसने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा? इमरान खान ने सिर्फ कहा, बल्कि अक्वामे मुत्तहिदा में, दुनिया के हर फोरम में जब आवाज गूंजती है, जब अक्वामे मुत्तहिदा में बात होती है, तो कश्मीर कास्ट का मुकदमा लड़ा जाता है। 54 साल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बात तक नहीं हुई थी, इमरान खान की हुकूमत में 1 साल के अंदर 3 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बात होती है। बल्कि इससे बढ़कर इमरान खान ने ये बयान दिया, आप सबके सामने दिया, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि बाकी कौन होते हैं कश्मीर की तकदीर का फैसला करने वाले, कश्मीर की तकदीर का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे, ये कश्मीरियों का फैसला होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह 25 तारीख का आपका फैसला वक्त से पहले आपने बता दिया है, लेकिन मैं आपसे यहां पे एक वादा करूंगा और आपसे एक वादा लूंगा। आप सबने हाथ उठा के मेरे साथ वादा करना है, कि 25 तारीख को आपने बल्ले पे मोहर तो लगाना ही है, लेकिन आपने हाथ उठा के वादा ये करना है
कि आज से आप सब इमरान खान के सफीर, इमरान खान के सिपाही बन के हर घर, हर मोहल्ले, हर दुकान, हर जगह पे तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाओगे। 25 तारीख को बल्ले पे मोहर लगाओगे, अपने तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को जितवाओगे। बारी अक्सरियत से जितवाना है, बारी अक्सरियत से। और इंशाल्लाह हमारा भी आपसे वादा है कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने कभी सर नहीं झुकाया। मैं आपसे वादा करता हूं, जो आजाद कश्मीर के लोगों ने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को मोहब्बत दी है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 25 तारीख को आप अपना नुमाइंदा यहां से भेजेंगे, लेकिन आज ही से आपने अपना नुमाइंदा इस्लामाबाद के पार्लियामेंट में पूरा से की शक्ल में भेज दिया। मैं इंशाल्लाह खुद आपका नुमाइंदा बनूंगा, हर जगह पे आपका मुकदमा लड़ूंगा, हर जगह पे आपकी नुमाइंदगी करूंगा। और इंशाल्लाह जो इस इलाके की महरूमिया है उसका इंशाल्लाह अजाला करेंगे। मैं तरक्याती कामों के ऊपर बात नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा कि पहले से जहां पे भी हम जाते हैं चीखें निकल रही है, उनकी फरियाद कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि दानली हमारे साथ हो रही है। दानली नहीं, इन लोगों को देखे, इनके चेहरों को देखे, तहरीक इंसाफ से इनकी मोहब्बत को देखे, इमरान खान से इनकी मोहब्बत को देखे। इंशाल्लाह जीत तहरीक इंसाफ की होगी, और फिर उसके बाद 25 तारीख के बाद जो सूरत तुलु होगा वो तब्दीली का होगा, वो खुशहाली का होगा, वो तरक्की का होगा, वो इंशाल्लाह जो इमरान खान कहते हैं कि मदीने की रियासत की जानिब हम जाएंगे, मदीने की रियासत की जानिब इंशाल्लाह आजाद कश्मीर को लेके जाएंगे। इसी पे इजाजत चाहूंगा कि गर्चे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं, कोई भेजे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुराद सईद अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी फलाह के लिए काम कर रही है और आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह भी तरजीहात में शामिल है। माजी के हुक्मरानों ने आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पर ही उन्होंने अपने तमाम दौरे इकतदार गुजार दिए। उन्होंने कहा कि दीरकोट जैसे इलाके में ना तो तालीमी सहूलियात फराहम की गई और ना ही कोई हस्पताल तामीर किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्की के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारे इकदाम लाइन अप किए हैं। और कश्मीर के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुकदमा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मौसर अंदाज में आलमी फोरम्स पर लड़ा और सही मायनों में कश्मीर के सफ़ीर बनकर सामने आए हैं। आज़ाद कश्मीर में अगर हुकूमत का मौका मिलता है तो वो तमाम तर इकदाम करेंगे जो यहाँ के अवाम की फलाह के लिए और उनकी बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुराद सईद अवामी इज्तमा से दीरकोट आज़ाद कश्मीर में खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही, मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सी पैक के बारे में। सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे बायलेटरल रिलेशन के बारे में। सर, कैसे दिखाई दे रहे हैं बायलेटरल रिलेशन पाकिस्तान के, खासकर अगर इस रीजन में देखे जाएं, और अभी जो एक छोटा मोटा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है या फिर इंटरनेशनल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है जो पाकिस्तान में थोड़ा सा हम करेंगे ट्रिगर लैस करती हुई दिखाई दे रही है, तो वो भी बताइए प्लीज़। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। इस तरह के जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है और जो हमारे रीजनल एनवायरनमेंट है, 47 से लेके हम एक हॉस्टाइल नेबरहुड में रह रहे हैं। हॉस्टिलिटीज़ हमारे अतराफ़ में रही हैं हमेशा से। चीन से हमारी ख़ास तौर से दोस्ती रही है, ईरान से रही है, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ईस्ट पर हमेशा गड़बड़ रही है, नॉर्थ में हमेशा गड़बड़ रही है। तो वो कंटिन्यूएशन है मेरे हिसाब से। हाउ यू मैनेज इट इज़ द टैक्ट एंड स्किल ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी। और रही बात बियॉन्ड दिस, आई थिंक वी आर एंजॉइंग एक्सेलेंट रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई, हु हैव बीन वेरी सपोर्टिव इन द प्रोग्राम्स दैट वी हैव इनिशिएटेड इकोनॉमिकली। एंड आई थिंक अवर रिलेशनशिप विद चाइना, देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है ना पिछले दिनों, वो थी जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मनाए गए
اس پہ انویٹیشن ہمارے وزیر اعظم کو دیا گیا کہ وہ ایڈریس کریں. دیٹ یو نو دیٹ اسپیکس والیومز اباؤٹ دا کائنڈ آف بانڈنگ چائنا ہیز وتھ پاکستان. وہ سب کو انوائٹ نہیں کرتے ہیں, وہ بڑے سلیکٹو ہوتے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے انوائٹ کرتے ہیں اور وہ بہت دور کی سوچتے ہیں. ایک دفعہ جو کمٹمنٹ کر لی پھر بھولتے نہیں ہیں. دے سٹک ٹو اٹ اینڈ دین دے ڈو اے لانگ ٹرم کمٹمنٹ, دے ڈونٹ بلیو ان شارٹ ٹرم کمٹمنٹس. دیکھیے ابھی جو ہانگ کانگ ان کا ایک اگزامپل ہے, ہانگ کانگ کو جب انہوں نے واپس حاصل کیا برٹن سے تو ان کو ایشورنس دی کہ 50 سال تک یہ اسی طرح آپریٹ کرے گا, ون کنٹری ٹو سسٹمس. اوکے اینڈ دے آر ابائڈنگ بائی اٹ اینڈ سی ہانگ کانگ از پروگریسنگ لائک اینی ادر ایئر. تو وہ ایلیمنٹ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہماری فارن پالیسی کے ڈکٹیٹس ہیں, بائیلیٹرل ریلیشن شپس یا ملٹی لیٹرل ریلیشنس کی بھی اگر آپ بات کریں, اس کی بنیاد جو ہے وہ اکنامک بانڈنگ ہونی چاہیے. رائٹ, کہ ہم کیا بیچ سکتے ہیں, کیا خرید سکتے ہیں ان سے, کیا انویسٹمنٹ ان سے منگوا سکتے ہیں, کس ایریا میں منگوا سکتے ہیں, ہاؤ کین وی انڈیوس دیم ٹو انویسٹ. اب جیسے یہ راجپوشی جو آپ کا بننے والا ہے, راجپوشی سوری, دیٹ از دی فرسٹ اکنامک زون, وہاں پہ آلریڈی کمٹمنٹس ہو چکی ہیں $262 billion کی انویسٹمنٹ کی, آلریڈی کمٹمنٹس موجود ہیں. ونس اٹ اسٹارٹس فنکشننگ آپ سوچیے کتنا پیسہ آ سکتا ہے. اینڈ یو آر ٹاکنگ آف 9 special اکنامک زونس. تو اگر آپ حالات اچھے رکھیں گے ملک کے, اف یو کیپ پیس ہیئر اینڈ وی گیو این انوائرمنٹ آف سسٹینیبلٹی ٹو واٹ ایور پالیسیز وی انڈیوس اور برنگ اباؤٹ, تب تو میں سمجھتا ہوں انویسٹمنٹس آئے گی. انویسٹمنٹ کو آپ اگر خوف پیدا کر دیں گے انویسٹر کے لیے کہ میں انکنسسٹنٹ ہوں, آج کچھ کہوں گا کل کوئی اور, تو یو سی دے ول رن اوے فرام اس. رائٹ, سو ویل ہیو ٹو ہیو اے کنٹینیوس پالیسی. دیٹس وائی وہ ایک اکنامک چارٹر کی جو بات کرتے ہیں سیاست دان, وچ آئی ڈونٹ نو وٹ دے مین بائی اٹ, بٹ اینی کیس آل کنٹریز ہیو ٹو ہیو ون اکنامک چارٹر ان وچ آل گورنمنٹس مسٹ فالو. ایگزیکٹلی, کوئی بھی پولیٹیکل کوئی بھی انٹرنیشنل اس کو افیکٹ نہ کرے. رائٹ سر, کووڈ کے اوپر بھی کامنٹ چاہوں گی کہ کووڈ کی جو ایک سچویشن دکھائی دے رہی ہے, اب فورتھ ویو کا بھی کہا جا رہا ہے, تھوڑا سا ایک ریشو لٹل بٹ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم پاسٹ تھوڑا سا چلے جائیں, دیکھیں جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا اس وقت جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو کیا سیناریو تھا سر, اور اب کیسے دیکھ رہے ہیں کووڈ کی ہول اگر سچویشن کو دیکھیں؟ دیکھیے, جو انفیکشن ریٹ اکارڈنگ ٹو این سی او سی چل رہا ہے وہ تقریباً 3% کے قریب ہے, 3.4% ہے جہاں تک میں نے لاسٹ فگرز مجھے یاد پڑتی ہیں. رائٹ, لیکن ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے وہ انیشیلی جو اسٹارٹ ہوا تھا جنوری اور فیبری سے لے کے رائٹ اپ ٹل میں, وہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا. اب جو ہے تھوڑی سی کمی آ گئی تھی کیونکہ شارٹیج ہو گئی تھی, بٹ ناؤ دیٹ دا ویکسینز ہیو کم بیک, جتنا ویکسینیٹ کریں گے اتنا ہم اوپن اپ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یو کے میں انہوں نے تقریباً 50 million لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے, اور 21 July کے بعد تو انہوں نے کہا کہ سب کھول دیں گے, نو ایس او پی از نتھنگ. تو وہ کر سکتے ہیں آپ اسی وقت جب ویکسینیٹڈ پاپولیشن ہو, تو آپ تھوڑی سی ہرڈ مینٹیلٹی کی طرف جا سکتے ہیں, ہرڈ امیونٹی کی طرف جا سکتے ہیں, ناٹ مینٹیلٹی سوری, ہرڈ امیونٹی کی طرف جا سکتے ہیں آپ. رائٹ, سو دیٹ وڈ بینیفٹ اس. بٹ ٹو سے کووڈ کو ہینڈل ہم نے کیسے کیا, ضرورت ہے سر, بائی دی وے مجھے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جانا ہے, نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی, کموڈیٹیز اور فوریکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کے پر سولہ پرائز 1,09,200 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 93,620 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس 1,816.61 ڈالر, مائنر سا اب جا رہا ہے, کل 1,800 تھا. آئل ڈبلیو جی آئی پر بیرل 75.25 ڈالر, آئل برینٹ کروڈ پر بیرل 76.49 ڈالر. کرنسیز میں یورو سب سے پہلے بائنگ رہی 185.50, سیلنگ واز 187.50, یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 217 روپیز, سیلنگ واز 220 روپیز, یو ایس ڈالر بائنگ رہی 159.20, سیلنگ واز 159.90, چائنیز یوان بائنگ ایٹ 23.50, سیلنگ واز 23.65, سعودی ریال بائنگ ایٹ 41.80, سیلنگ واز 42.30, یو اے درہم بائنگ ایٹ 42.30, سیلنگ واز 43 روپیز, کویت دینار بائنگ رہی 481.50, سیلنگ واز 484 روپیز, اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 392.50, سیلنگ واز 394.50. یہ تھا فورسٹ کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. انٹرنیشنلی آئل پرائز بھی مائنر اپورڈ ڈائریکشن میں ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم بات کریں پہلے کے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اپریسیشن دیکھی جا رہی تھی روپی کی, تو یہاں پر اب ڈپریسیشن بھی دیکھی جائے گی. سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کون سی ڈائریکشن دیکھی جائے گی. سر, روپی اور ڈالر کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اپریسیشن یا ڈپریسیشن؟ دیکھیے, یہ ایریا میرا نہیں ہے, سینٹرل بینک کا ایریا ہے, مجھے اس پہ جسٹ کامنٹ نہیں. آپ کی ویوز کے لیے صحیح مناسب بات نہیں ہے, یہ کمرشل بینکر ریٹ کے موومنٹ پہ پریڈکشن کرے. ویسے سیناریو کیا دکھ رہا ہے اگر ہم اوور آل کرنسی ریٹ دیکھیں؟ لیکن ہماری کرنسی کی ڈائریکشن آبویسلی ڈیپینڈنٹ آن دا فیکٹ کہ وی آر اے امپورٹنگ کنٹری,
जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस मैच नहीं कर जाती हैं विद द इंपोर्ट बिल, ये प्रेशर तो रुपी पे हमेशा रहेगा. राइट, वी हैव टू हैव इनफ रिसोर्सेज, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट आवर रुपी, राइट, टू रीवैल्यूएट. हमें कोई ना कोई और दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा. हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं. यकीन जानिए पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं. चीन ने वोकेट किया है लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन को, जिसकी इंडस्ट्रीज जाके सेटअप हो गई है लाओस में, वियतनाम में, वहाँ से भी अब वो बंद कर रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते. राइट, वी हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट. थैंक यू सो मच सराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे. काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई आज के दिन. हमने सी पैक के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में और खासकर बायलेटरल रिलेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन की. दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.